नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। जिला मुख्यालय पौड़ी में राजस्व विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार द्वारा अब प्रदेश के 1800 से अधिक राजस्व चौकियों को रेगुलर पुलिस के हवाले करने का फैसला लिया गया है। मामला जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे निसनी गांव का है, जहां पर 2 जनवरी को गांव में कुछ दबंग युवाओं द्वारा एक प्रवासी युवक के साथ मारपीट करके उसे लहूलुहान कर दिया गया था। इस दौरान पीड़ित के सर पर 18 टाके भी आए थे। पीड़ित द्वारा इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट राजस्व विभाग को दी गई थी, जिसके बाद राजस्व पुलिस द्वारा धारा 307 में सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो किया गया, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक राजस्व पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे खपा होकर आज निसनी गांव के ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी का घेराव किया और सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। इस पूरे मामले में तहसीलदार पौड़ी हरेंद्र खत्री ने बताया कि उनके द्वारा ग्रामीणों से 2 दिन का समय मांगा गया है और 2 दिन के भीतर सभी 6 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने यह भी साफ किया है कि अगर 2 दिन के भीतर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे 2 दिन के बाद जिलाधिकारी पौड़ी का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पौड़ी की होगी। आश्वासन के बाद भी 2 दिन तक कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह से आप आगे अपनी रणनीति बनाएंगे? 2 दिन का टाइम दे रखा है, 2 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे धरने में बैठ जाएंगे, पूरे गाँव इकट्ठा करके बैठ जाएंगे। कुछ इसमें आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही कि ये गिरफ्तारी करेंगे। मेरा बोलने का मतलब, आज हम सब ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं इसलिए पहुँचेंगे ताकि जो इस टाइप के तत्व हैं, जो गांव के अंदर मतलब इस टाइप का उग्रवाद फैला रहे हैं, उनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अब ये जो अभी थे चौहान जी, इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये कितने दिनों में कार्रवाई करेंगे, मैं इसके बारे में तो बता नहीं पाऊंगा, मगर यदि 2 दिन के अंदर अरेस्ट हो सकते हैं तो मैं समझूंगा कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो फिर ये भैया, ये जो जिस बच्चे पे मतलब मारपीट का केस है, इसकी प्राइवेट नौकरी है, इसने प्राइवेट नौकरी में जाना भी है, अब बेचारी इसकी बीवी भी है, बहुत परेशान है, छोटे बच्चे भी हैं, अब ये प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, अब ये तो 2 दिन के बाद फिर आपके सामने फिर पेश होंगे सर। हम सब पुलिस पटवारी के द्वारा जो है विवेचना की जा रही है, इसमें पर्चे काट रहे हैं, सीढ़ी के पर्चे काट रहे हैं और गिरफ्तारी जो है उन्होंने जो है रेगुलर पुलिस के लिए हस्तांतरण के लिए लिखा है। डीएम साहब के यहाँ डाक पहुंची है लेकिन वहाँ से अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, जब तक ऑर्डर नहीं होता तब तक राजस्व पुलिस इसमें कार्य करेगी। और राजस्व पुलिस से अभी पटवारी से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दे दो, 2 दिन के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।